हेलो बच्चों, आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या सीखेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 9 ऊर्जा का स्रोत, द सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में जानेंगे। आप प्रतिदिन अपने विद्यालय में कोई ना कोई खेल अवश्य खेलते हैं। जब खेल प्रतियोगिता होती है तो आप जीतने के लिए जी जान कोशिश करते हैं, आपका शरीर पसीने पसीने हो जाता है। जब आप अपने घर लौटते हैं तो माँ आपको ब्रेड, मक्खन और गर्म दूध देती है, इससे आप पुनः तरोताज़ा हो जाते हैं। इसी तरह लोहार भी दोपहर को खाना खाकर पुनः तरोताज़ा हो जाता है और अपने काम में पुनः जुट जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आप स्कूल में जब खेलते हो तो दौड़ते हो, खेलते हो, चाहे कोई भी कंपटीशन में आप भाग लेते हो, दौड़ते हो तो पूरे शरीर पसीना पसीना हो जाता है। और वो शरीर पसीना पसीना जब हो जाता है, जब आप घर जाते हो, आप थके हुए रहते हो, आपकी मम्मा आपको ब्रेड, दूध, मक्खन ये सब जब देती है तो फिर से आप अपने आप को पावरफुल फील करते हो, क्योंकि खेल कर आपने अपनी एनर्जी लॉस की। और वो एनर्जी जब आप दूध, मक्खन ये सब खाना खाते हो तो आपको फिर से ऐसा लगता है कि आपके अंदर एनर्जी आ गई है। उसी तरह सभी लोग जो बाहर काम करते हैं वो एक टाइम के बाद थके हुए महसूस करते हैं। थके होने के बाद जब वो फिर से कुछ खाकर अपने आप को फिर से पावरफुल फील करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? खेल कूद हो या कोई अन्य काम, प्रत्येक के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है। कोई भी काम आप कीजिए उसके लिए हमें शक्ति चाहिए। आप एक टेबल को इस रूम से उस रूम घसकाइए, चाहे आप किसी भी चीज़ को एक दूसरे से जगह दूसरे करने के लिए आपको पावर की ज़रूरत पड़ती है। खेलने के लिए भी शरीर में ताकत होगा, आप अच्छे फील करोगे तभी खेल पाइएगा। जब शरीर में ताकत ही नहीं होगी तो आप खेल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। और उसके लिए हमें शक्ति की ज़रूरत होती है। और शक्ति किस चीज़ से होती है? एनर्जी। एनर्जी जब तक हमें नहीं मिलेगी तब तक हमें शक्ति नहीं आ सकती है। और उसे करने के लिए ऊर्जा खर्च होती है। सभी काम करने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है, और शक्ति तभी आएगी जब आपके अंदर ऊर्जा रहेगी। जब जैसे ऊर्जा से ही हमें शक्ति मिलती है, और जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं है हम किसी भी चीज़ को, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा का अर्थ होता है कार्य करने की शक्ति। कार्य करने की शक्ति को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम भोजन करते हैं और गर्म दूध पीते हैं। हमें एनर्जी खाना खाने से मिलती है और गर्म दूध से। हमें अपने सभी दैनिक कार्यों के लिए आजीवन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर में समान प्रत्येक मशीन चलाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं सभी को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हमने ऊर्जा के अनेक स्रोत खोज लिए हैं। पवन या वायु ऊर्जा का एक पुराना स्रोत है। प्राचीन समय में मनुष्य पालदार नावें बनाई हवा की शक्ति से समुद्र में एक दूसरे स्थान पर जाती थी। पुराने समय में पवन वायु से ही हमें ऊर्जा मिलता था। और पुराने समय में लोग पालदार नावें चलाते थे जो हवा की शक्ति से समुद्र में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था। लेकिन आजकल पवन चक्कियां लगाकर बिजली बनाई जाती हैं। पहले पवन और वायु थे ऊर्जा के स्रोत, जिससे जो हमारी नावें थी वो हवा की शक्ति से एक स्थान से दूसरे स्थान जाती थी। लेकिन अब क्या है, पवन चक्कियां हो गई हैं जो बिजली बनाई जाती है, जिसे लगाकर बिजली बनाई जाती है। खाना पकाते समय भाप निकलती है। भाप को मनुष्य प्राचीन समय में ही
प्राचीन समय से ही देख रहा था। एक दिन उसने भाप में किसी ऊर्जा का, छिपी ऊर्जा का प्रयोग करना सीख लिया। आपने, आपको पता है ना, जेम्स वाट ने भाप की शक्ति का उपयोग किया, खोज निकाला था। उन्होंने, उनको ही पता चला, उन्होंने ही हमें बताया कि भाप में भी एनर्जी है। उसने भाप का इंजन बनाया और पटरियां पर रेलगाड़ियां दौड़ाने लगा। समुद्र में जहाज तैरने लगी। वर्तमान समय में पेट्रोलियम ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, और आजकल प्रेजेंट में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पेट्रोलियम। पहले क्या था? पवन। इससे पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल बनाया जाता है। मिट्टी का तेल घर में स्टोव जलाने के काम में आता है। डीजल और पेट्रोल से वाहन और मशीनें चलाई जाती हैं। ट्रक, रेल, बस, कार चलाने की में डीजल और पेट्रोल काम आता है। वायुयान भी एक उत्तम प्रकार का पेट्रोल से चलता है। विद्युत का आविष्कार ऊर्जा के स्रोत में चमत्कार है। आजकल घर में रोशनियां करने से लेकर कारखानों में भारी मशीन चलाने के लिए हम विद्युत से ही किया जाता है। अब तो रेलगाड़ियां भी विद्युत से चलाने वाले इंजन से चलाई जाती है। विद्युत के बिना आज हमारा जीवन असंभव सा लगता है। हमें बिजली का इतना आदत हो गया है कि हम अब उसके बिना रहने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। गांव में पशुओं के गोबर से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वहां गोबर गैस संयंत्र लगाए गए हैं। उनसे चूल्हा चलाने के लिए गैस मिलती है। घर में प्रकाश और सिंचाई पंप चलाने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। गोबर से ऊर्जा मिलती है और खाद से भी प्राप्त होती है। पेट्रोल की खोज करते समय मनुष्य को प्राकृतिक गैस की प्राप्ति हुई। आजकल इस गैस का उपयोग खाना पकाने के साथ अन्य सभी कार्यों में किया जा रहा है। सूर्य अपार ऊर्जा का स्रोत है। मनुष्य ने सूर्य की ऊर्जा का उपयोग भी सीख लिया है। अब इसका उपयोग खाना पकाने और विद्युत बनाने में होने लगा। ऊर्जा का प्रयोग करने पर वह समाप्त हो जाती है, इसलिए ऊर्जा के नए नए स्रोतों की खोज आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि आप भी ऊर्जा के नए नए स्रोतों की खोज जारी है। अब हमने जाना कि ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है। पहले पवन ऊर्जा के स्रोत थे, उसके बाद अब पेट्रोलियम, और अब लोगों ने पेट्रोलियम की खोज के बाद गैस, ये सभी आजकल हम अपने घरों में यूज करते हैं। और सूर्य अपार ऊर्जा की स्रोत है, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला। सूर्य के अंदर जो है वो एनर्जी है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। उस पर भी अभी हम नए नए खोज कर रहे हैं। हमने जाना कि ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं।